फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी एक्स कर दिया, मिसिंग कर दिया। कमोडिटी दिया हुआ है, बेस ईयर में प्राइस और क्वांटिटी है, करंट ईयर में प्राइस और क्वांटिटी है, और नीचे में आपको एक बात दे दिया है, गिवन दैट द रेशियो बिटवीन लास्ट पेयर एंड पार्सल्स इंडेक्स इज 28:27। ठीक है, तो चलिए हम लोगों को फिर से वही काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किसका, लास्ट पेयर एंड पार्सल्स का प्राइस इंडेक्स, क्योंकि वही दिया हुआ है। लिखिए, कैलकुलेशन फॉर लास्ट पेयर एंड पार्सल्स इंडेक्स। कॉमोडिटी दिया हुआ है, सिर्फ ए एंड बी, देखो बेस ईयर लिखा है और ईयर में कोई ईयर नहीं दिया है, प्राइस है, फिर जीरो करेंगे, क्वांटिटी है, क्या करेंगे, क्यू जीरो, वन है, यहां भी वन है, यहां टेन है, यहां फाइव है। बेस ईयर के बाद करंट ईयर भी दिया हुआ है, प्राइस और क्वांटिटी का, प्राइस पी जीरो, क्वांटिटी क्यू जीरो, टू है, देखिए यहां एक्स है और यहां पर फाइव है, यहां टू है। अब इसका काम तो नहीं है, क्योंकि अब हमको क्या बनाना है, लास्ट पेयर और पार्सल्स का फॉर्मूला हम लोगों को नहीं पता है, अब हम लोग को फॉर्मूला लिखना है खुद से, तो खुद से लिखेंगे। अभी तुरंत लिखे थे, बताएंगे आप लोग क्या लिखेंगे, पहले P1, P0, P1, P0, दो मरते Q0 और दो मरते Q1, तो ये जो पहला होगा वो किसका होगा, लास्ट ईयर का, और दूसरा जो होगा वो किसका होगा, अब कोई प्रॉब्लम, ठीक है। P1 कहां पर है, और करंट ईयर में तो 00 ही लिखी है, देखिए P1 कहां पर है, जो करंट ईयर है वहां पर हम लोग क्या बिठाएंगे, 1 बिठाएंगे, और जो बेस ईयर रहेगा वहां पर क्या करेंगे हम लोग, 0 करेंगे। तो देखो P1 यहां पर है, Q0 बगल में है, इंटू करेंगे तो कितना होगा बोलो, फाइव को एक्स से करेंगे तो 5x, जो भी लिख देते हैं आप आराम से लिखते जाते हैं, थोड़ा सीरियस रहिए क्योंकि आप क्लियर करना चाहते हैं एग्जाम, और इस तरह से। अब देखिए P0 Q0 कहां पर है, तो यहां पर है, 10 × 1, 5 × 1, तो 10 ही होगा, यहां पर 5 ही होगा, 15 हो गया। P1 Q1 कहां पर है, पास पास में है, कितना हो जाएगा बोलिए, 10, और यहां पर कितना हो जाएगा, 2x, समेशन P1 Q1 2x प्लस 10। P0 कहां है, यहां पर है, Q1 कहां है, यहां है, 5 और 2, तो जल्दी से आप कॉपी कर लो, निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स, फॉर्मूला यहां पर है, समेशन P1 Q0, समेशन P0 Q0 × 100,
यहाँ तो 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइम रिवर्सल या फैक्टर रिवर्सल थोड़ू ना कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 5x प्लस 20 यहाँ 15 इंटू 100 इसके बाद हम लोग लास्ट ईयर के बाद पासेस का प्राइस इंडेक्स करेंगे फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है P0Q1 इंटू 100 2x प्लस 10 7 इंटू 100 हम लोग तो फॉर्मूला लिख दिए बट अभी हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है क्या निकालना है x का वैल्यू तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को x का वैल्यू के लिए बोलिए यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है क्या कंडीशन दिया हुआ है गिवन है लास्पियर एंड पार्सल्स का आप लोग लिखते जाएंगे इंडेक्स इज 28:27 ठीक है मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं Li डिवाइडेड बाई Pi इज इक्वल टू 28:27 लिख सकते हैं कि नहीं ये दिया हुआ है हम लोग लास्ट पेयर और पार्सल्स का निकाल लिए यहां पर क्या लिखा हुआ है लास्ट पेयर और पार्सल्स का क्या दिया हुआ है 28:27 लास्ट पेयर की जगह क्या बिठाएंगे ये बिठाएंगे 5x प्लस 20 बाई 15 100 तो कट जाएगा Pi की जगह क्या बिठाएंगे प्लस 10 बाई 7 इंटू 28:27 ठीक है ना यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आप जानते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 20 बाई 15 ये जाएगा तू उल्टा होगा क्या होगा 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा क्या किए सो देखिए ये हमको कंडीशन दे दिया है तभी निकलेगा x का वैल्यू आपको प्राइस इंडेक्स नहीं बोला कि जो सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा वैसे भी ये सॉल्व नहीं होगा हमको ये कंडीशन दिया हुआ है Li Pi 28:27 तो हम लोगों ने क्या किया Li के जगह ये बिठा दिया Pi के जगह ये बिठा दिया 100 तो कट गया 28:27 ये पूरा का पूरा लिख दिए ये पलट गया ये आ गया अब क्या होगा ये इंटू होगा होगा कि नहीं 7 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 35x प्लस ये कितना होगा बोलिए प्लस आ गया कि नहीं यहां तक तो सॉल्व हो गया अब क्रॉस फिर करेंगे इससे इसको इंटू करेंगे इसको इससे इंटू करेंगे ठीक है जी और सॉल्व हो जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा जल्दी से कॉपी कीजिए अभी x का वैल्यू निकल जाएगा इसको जब आप सॉल्व करेंगे जरूर से करिएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा